नहीं तो हम लोगों का तो शुरू से स्टैंड रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो वो सब पक्ष को मानना चाहिए। उसमें हम लोगों का शुरू से ही ये है, उसमें जो है कोई स्टैंड में कोई चेंज किसी का हुआ नहीं है। और सब लोगों की हम लोगों को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में कोर्ट के ऊपर में सबको विश्वास होना चाहिए, न्यायालय के ऊपर में, और जो न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का फैसला हो उसको मानना चाहिए। चलिए, चुनाव कैसी तैयारी चल रही है उपचुनाव की? चुनाव का भी कल हम जा रहे हैं, हम हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, कल समस्तीपुर में जो है प्रोग्राम है शिवाजी नगर में, और चिराग वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी जो हैं दलित सेना का अध्यक्ष हुए हैं, सारे हमारे जो एमपी हैं वो सब लोग कैंप गाड़ दिए हैं, और हमने सब जगह जो है चिराग ने अलग अलग जहाँ जहाँ जनता दल यू के उम्मीदवार हैं 6 जगह, उन 6 जगहों पर भी अपना जो है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो है प्रभारी क्या कहते हैं कि नियुक्त कर दिए हैं, और वहाँ सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोग उसमें कोई है नहीं, सभी सीट हम लोग क्या कहते हैं कि जीतेंगे, सभी असेंबली का सीट जीतेंगे। और रामचंद्र अब नहीं रहे, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो लोगों के मन में प्यार है, विश्वास है, फिर वहाँ से चिराग लड़ रहे हैं, और हमको लगता है कि आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो भारी मतों से जीतेंगे। आपने प्याज के प्रयास किए, लेकिन अभी देखिए ये सब कभी दाम, देखिए प्याज आलू ये सब का दाम ये 3 महीना में कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाता है, और इस साल तो आप देख रहे हैं कि पूरा पटना डूबा हुआ था, पूरा का हर स्टेट की वही हालत क्या कहते हैं कि जो है जहाँ जहाँ प्याज हुआ महाराष्ट्र में वहाँ भी क्या कहते हैं कि नासिक में जैसो सब जगह बाढ़ आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने शुरू से कहा कि हमारे पास में प्याज की कमी कभी नहीं रही, और जिन जिन राज्यों ने मांगा हमने दिया, और अभी भी हमारे पास में 25,000 के करीब क्या कहते हैं कि 25,000 टन जो है प्याज हमारे पास में है, और जो कोई भी चाहे उसको हमने कहा है कि आप 16 रुपये 17 रुपये में खरीदो, 23 रुपये के अंदर में बेचो। सर छोड़ दो।